हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं कि सर यूपी बेट की काउंसलिंग तिथि जो है कब से आएगी और आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर जो है वो कब तक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। जो सूचना मुझे मिली है आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर यूपी बेट काउंसलिंग को लेकर के एम जी पीआरू से जो सूचना मुझे मिली है, आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। अगर आप बी एड में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप लोग पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको पल पल की अपडेट मिलेगी। कैसे आपको फाइल बनानी है, कैसे आपका कब से पेपर होगा, क्या क्या चीजें, उन सभी चीजों के बारे में इस चैनल के माध्यम से बनाया जाएगा। तो ये चैनल पूरी तरीके से आप लोगों के लिए रहेगा और बीएड के लिए ही है, आप सभी को पता ही भी होगा ये चीज के बारे में। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी बीएड काउंसलिंग को लेकर। देखो भाई, यूपी बीएड की काउंसलिंग जो है आपको हम बता दें 25 सितंबर के आसपास होगा। इसके पहले आपकी जो काउंसलिंग है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी जो है काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया, अभी बहुत सारे सिस्टम है। तो जो मैंने पता करने की किया, हालांकि डेट इसकी जल्द ही आ जाएगी, डेट आपकी जल्द आ जाएगी, बाकी शुरू आपकी 25 सितंबर के आसपास से आपकी काउंसलिंग होगी। तो आपको परेशान नहीं, बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उनको कंप्लीट करके रखना है। अब जो लेट होना था वो लेट हो चुका है, सिर्फ ग्रेजुएशन के रिजल्ट आने के लिए ये जो है रुका था। कुछ यूनिवर्सिटियों के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, उनका रिजल्ट जो है 15 तारीख से 15 से 20 तारीख के बीच में आ जाएगा और आपकी जो काउंसलिंग की डेट है वो भी जो है आ जाएगा। फिलहाल इस पर मैं वीडियो बनाता नहीं, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे भर-भर के इंस्टाग्राम पर मैसेज हैं, कमेंट में मैसेज है कब से होगी डेट, तो इसलिए इस वीडियो को बनाना जरूरी था, क्योंकि सभी को रिप्लाई करना इतना ज्यादा आसान नहीं, तो हमने सोचा एक वीडियो ही क्यों ना बना दिया जाए। तो 25 तारीख से मान के चलिए कि आपका जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं आगरा यूनिवर्सिटी की। अगर हम आगरा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आगरा यूनिवर्सिटी जो है, आप सभी लोगों का आपको पता होगा कि बहुत दिन बाद इन्होंने जो है अपनी डेट निकाली थी और उस डेट को जो है इन्होंने चेंज भी कर दिया। चेंज क्या मतलब, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है उसको, आगे के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन अभी डेट उन्होंने नहीं बताई है। अगर हम आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें, जहां से मुझे सूचना मिली है, आप लोगों की जो परीक्षा है वो भी आपकी 20 तारीख के बाद से, यानी 20 से 25 के बाद ही होगी, इसके पहले नहीं होगी। और बहुत ज्यादा चांसेस तो है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी आपकी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि अभी जो है आपकी जो डेट आएगी कम से कम परीक्षा तारीख के 10 दिन पहले आएगी और आज 10 तारीख है, अभी जो है उसकी डेट के बारे में कोई नामो निशान नहीं है। उम्मीद है कि इसी वीक में आपको डेट मिल जाएगी, और अगर डेट मिल जाएगी, मान लीजिए 17 तारीख तक भी आपको डेट मिल जाती है, 15 तारीख तक डेट मिल जाती है, तो आपका पेपर यह है कि सितंबर लास्ट तक कराया जा सकता है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि सितंबर लास्ट के पहले आपकी परीक्षा किसी भी कीमत पर नहीं होगी, क्योंकि दोबारा जब परीक्षा की डेट आती है तो एक बार फिर से सेंटर वगैरह चेक करना पड़ता है कि क्या कोई परीक्षा कोलैप्स तो नहीं हो रही एक साथ में, तो दिक्कत यहां पर आ सकती है। तो यहां पर आपको हम बता दें कि आपकी जो परीक्षा है वो सितंबर के लास्ट में होगी, लास्ट वीक में, या फिर अक्टूबर के पहले वीक में होगी, इससे पहले नहीं होगी। कहीं ना कहीं अब जो आगरा यूनिवर्सिटी है इनका जो थोड़ा पेपर है वो थोड़ा सा डिले होगा। मैंने आज बात करने की भी कोशिश की थी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा है कि काम हो रहा है, नई डेट के लिए काम हो रहा है, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि कब से डेट निकाली जाएगी। उन्होंने कहा है कि मीटिंग वगैरह हो रही है, बातचीत चल रही, जल्द ही डेट घोषित कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए ये सारी दो अपडेट थी। उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ हेल्प आपको इस वीडियो से जरूर मिली होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज आप लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।